स्टेरी मटेरियल अब ये ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल न्यूमोकोकस पे की गई मतलब स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया जिसके वजह से निमोनिया होता है नाम से ही पता चल रहा है तो निमोनिया का स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया का मतलब न्यूमोकोकस का एक दो सेल लिए गए एक एस सेल लिया गया एक एस सेल लिया गया और एक आर सेल लिया गया अब एस सेल को हीट करके किल किया गया हीट किल्ड मतलब ये मर चुका था हीट किल्ड किया गया इसे। और इसको आर सेल था वो ला, लाइव था मतलब वो जिंदा था अब क्या हुआ इन दोनों को मिक्स किया गया तो मिक्स करने के बाद जो इसके अंदर ट्रांसफॉर्म हुआ अब एस में से क्या आर में ट्रांसफॉर्म हो रहा है ये ढूंढना था ये तो स्किल्ड था आफ्टर डैट ऑल्सो जो ट्रांसफॉर्म हुआ ये और मैं या ट्रांसफॉर्म जो ट्रांसफॉर्म हुआ वो था सिर्फ डीएनए सो so, डीएनए जो था वो अकेला ट्रांसफॉर्म हो चुका बाकी इसके अंदर से ना आर एन एम कोई भी नहीं प्रोटीन नहीं प्रोलीसेक्राइड का तो सवाल ही नहीं आता तो इनमें से कोई भी ट्रांसफॉर्म नहीं हुए लेकिन सिर्फ डीएनए ट्रांसफॉर्म हुआ इसीलिए दिस इज अरिडेटरी मटेरियल तो उन्होंने कहा गया कि एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में जो मटेरियल जाता है जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करता है वो होता है हेरिडिटरी मटेरियल वो होता है डीएनए वो इस ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल से निकाला गया एवरी मैकलियोड और ने सो मैको फाइनल आंसर इज ऑप्शन बी डीएनए होप यू अंडरस्टैंड इट वेल बेस्ट ऑफ लक